थीफ पनिशमेंट फायर वॉक। कुंदल नाम का एक गांव है। उस गांव में एक नियम है। उस गांव में अगर कोई चोरी करके पकड़ा गया तो उन्हें जलते हुए कोयले पर चलाते थे। गांव का प्रेसिडेंट पहलवान धीरू सिंह गांव का गर्व था। सबको उसे डर भी था, कोई उसके खिलाफ नहीं जाता था। उस गांव में एक बार जित्तू बद्री नाम के दो चोर आए। वे गांव भर में घूमकर हर घर पर गौर किए। फिर वे जब गांव के सेंटर पर गए तो वहां धीरू सिंह कुछ चोर को जलते हुए कोयले पर चला रहा था। तब चोर, बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, पैर जल रहे हैं, पैर जल रहे हैं, फिर कभी चोरी नहीं करेंगे, फिर चोरी नहीं करेंगे, यूं पुकार रहे थे। वो देखकर जीतू, देखो इस अन्याय को रोको, ऐसे इंसान को आग पर चलाना बंद करो, तुरंत बंद करो, अगर उसे कुछ हो गया तो किसकी जिम्मेदारी है, यूं कहा। तब धीरू सिंह, अरे उन कमीनों की शिक्षा बंद करो। फिर जित्तू को पकड़कर कोयले पर धक्का मारा। तब जित्तू उन कोयले पर कूदते हुए प्रेसिडेंट को डांटते हुए बाहर आया। फिर से धीरू सिंह उसे कोयले में ढकेल दिया। जित्तू फिर जोर जोर से रोते हुए कोयले पर जलते पैर के साथ आया। अब जित्तू से धीरू सिंह, देखो अगर कोई मेरे खिलाफ गया या इन चोरों पर दया दिखाया तो वो गुनहगार के बदले जो किया है उसको शिक्षा होगी। तुम लोग नए हो, क्या काम पर आए हो? बद्री, भैया भैया हमें माफ कर दीजिए, ये मुफ्त है, गांव के किनारे रोड के काम से आए हैं, कोई घर है तो दिलवा दीजिए श्रीमान, यूं कहा। तो धीरू सिंह अपने घर के बगल में रहने के लिए कहकर चले गया। अब जित्तू से बद्री, अरे जित्तू ये तो बहुत बड़ा संकी इंसान दिखता है रे, दूसरा गांव देख लेते हैं। तब जित्तू, कहाँ जाएंगे रे, वो धीरू सिंह को इसी कोयले पर नहीं चलाऊं तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा रे, पहले उसके घर के बगल में जाते हैं, चलो फिर देखते हैं उसे कैसे सबक सिखाया जाए, यूं कहा। फिर दोनों धीरू सिंह के घर के बगल में रहने लगे। फिर उसके बेटे तेजा से दोस्ती करके उसे भी काम काज से रोक कर बिगाड़ कर उसके साथ जुआ खेलने लगे। फिर रात को बद्री जित्तू गांव में घूमकर चोरी करने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद जित्तू अपने अंगूठियों को तेजा को गिफ्ट में दिया। उसके अगले दिन सेंटर में जाकर जित्तू, आओ भाई आओ, जलते हुए कोयले को तैयार करो, मुझे प्रेसिडेंट का बेटा तेजा पर शक है कि उसने मेरे चीजें चुराए हैं, बुलाओ उन बाप बेटे दोनों को, यूं कहा। और जित्तू का ऐसे पंचायत बिठाने की खबर प्रेसिडेंट और उसके बेटे को पता चली तो वे भी पंचायत के पास आ गए। अब दोनों को देखकर जित्तू, मारो इस दोनों बाप बेटे को आग में चलाओ, यूं कहा। तब गांव वाले हंसने लगे। वो देखकर जित्तू, अरे क्यों ऐसे पागल जैसे हंस रहे हो, इस गांव का नाम कुंडल छोड़कर पागलपुरा रख लो, यूं कहा। तो गांव की एक औरत, रे पागल कहीं के, हमारे प्रेसिडेंट घर के बगल में रहने के लिए कहे तो उसका मतलब क्या है जानते हो, तुम्हारे ऊपर उसे शक है, बड़े चोर है, आप सब इन पर नजर रखना, यूं हमें पहले ही कह चुके थे, समझे। एक और बात, ये पूरा गांव हमारे प्रेसिडेंट के दादाजी का है, ये सारे घर उन्होंने ही हमें दान में दिए हैं, उन्हें चोरी करने की क्या जरूरत है, वैसे तुम दोनों मिलकर हमारे घर में चोरी करते हुए हमने कब का देख लिया था, इन्हें बताया भी, कहकर वो बद्री जित्तू दोनों को कोयले पर धक्का मारी। दोनों बाप रे बाप, मर गए, जल गए रे, जल गए, ऐसे पुकारने लगे। फिर कुछ देर बाद बाहर आने के बाद जित्तू से बद्री, मैंने तो पहले ही कहा कि इस गांव में कुछ गड़बड़ है, देखो तुम्हारे वजह से मेरे पैर जल गए हैं रे, कहकर उसे खूब मारा।